अगर इस देश में संविधान बदलने की कोशिश इन्होंने की तो देश में गृह युद्ध होगा, लिख लेना आप। जो लोग संविधान को मानते हैं वो किसी कीमत पर संविधान पर उंगली रखने के लिए भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मनु स्मृति में ब्राह्मणों को तो इतना उच्च पद पर दिखाया गया है, इतना कहता है मैडम, संविधान भी हमें ऊंचे पद पर ही रखता है। भेदभाव करने वाला चाहे वो मनुष्य हो या जानवर हो या फिर कोई किताब हो, जो भेदभाव करने का काम करेगा उसको जला देना चाहिए। और अमन छीन लेंगे, चमन छीन लेंगे, और संविधान को अगर छूने की कोशिश की मनुवा दियो तो तुम्हारी अर्थी से तुम्हारा कफन छीन लेंगे। इसमें बयान आते हैं कि संविधान को बदल देना चाहिए या इतने सालों बाद तो कहीं ना कहीं बदलाव होना। मैडम एक चीज बताइए कि अगर बाबूजी पुरनिया हो जाएं, बुजुर्ग हो जाएं, तो बाबूजी को बदल दीजिएगा। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुजन साथी अभी भी सोए हुए हैं। बाबा साहब रात रात जागा करते थे। एक बार उनसे किसी ने पूछा कि आप जागते क्यों, तो उन्होंने कहा हमारा समाज सोया हुआ। तो आज भी कहीं ना कहीं बहुजन समाज सोया हुआ है, वो जाग नहीं रहा है, जागरूक नहीं हो रहा है, शिक्षित नहीं हो रहा है। जिस दिन वो शिक्षित हो गया और जागरूक हो गया, भारतीय जनता पार्टी का लोटिया गुल हो जाएगा।